तो देखने से पता चल गया होगा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था है वही जान। मतलब देख के तो लग रहा होगा बोलने का कि रे अर्थव्यवस्था, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या बताएं कितना प्यार करते हैं। उसके बाद आपका प्यार थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। हाँ, और ब्रीफली थोड़ा बताना चाहते हैं, वही यूपीएससी वाला बुक है जिसके लिए सब मरता है खरीदने के लिए, कि हम इसको लेके तो गर्दा उड़ा देंगे। मतलब जब पेज पलटोगे, व्हेन यू विल टर्न योर पेज, ये कंटेंट है आपका अंदर का जो लिखा हुआ है, इसको देख के लगेगा कि भैया कंटेंट था, मतलब पढ़ के तो टॉप कर दी, एकदम फर्स्ट रैंक पूरा यूपीएससी में गर्दा उड़ दी। तो बट इवन व्हेन यू विल टर्न मोर पेज, After this, you will feel like you should turn your page. मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब बुक को आप ओपन करिएगा तो बिना डिक्शनरी का संभव नहीं है एक आम विद्यार्थी के लिए। मतलब मान लेते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं और डेफिनेटली होंगे भी, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड पढ़े होंगे। ये साधारण वर्ड का जरूरत है, इसमें साधारण वर्ड का आवश्यकता है, लेकिन साधारण वर्ड है ही नहीं, जैसे कि गूगल बाबा से डायरेक्ट एकदम इसको क्या ट्रांसलेट किया गया है। और आगे आपको दिखाते हैं कुछ पढ़ के, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं। हो सकते हैं आप काफ़ी बहादुर विद्यार्थी होंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। एक कथा कहीं कहीं का कंटेंट आपको थोड़ा सा धैर्य धरिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, यहाँ थोड़ा सा खट्टा हो सकता है लेकिन आपको काम आएगा। देखिए बुक का एक, चलिए एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, संगठनिक ढांचा इधर, ठीक है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एकदम दिखेगा। देखिए शीर्ष पर इसका मुख्यालय योजना आयोग में है, जो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उपयुक्त पद्धतियों एवं सांख्यिकी प्रकल्पों का विकास करता है। निर्देशन, सर्वेक्षणों का आयोजन, आंकड़ों का प्रसंस्करण, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सृजित गुणात्मक एवं परिमाणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनों के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है या संगठन सलाहकार के अधीन कार्य करता है। जब हम पढ़ते हैं इसको तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी पढ़ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों हमको सेम फीलिंग आता है। इतना मेहनत अगर हम संस्कृत किए होते हैं तो 33 के जगह कम से कम 83 नंबर लाते हैं हम, ठीक है। अगर आप इस किताब से पढ़िएगा, अगर आप बहुत तेज हैं, एकदम इंटेलिजेंट खतरनाक वाले हैं, 5 स्टार, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे टाइप के हैं, ठीक है, जिसको आम भाषा चाहिए, सरल भाषा चाहिए समझने के लिए, जिसको डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करना है, उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सलाह नहीं देंगे किताब को खरीदने के लिए, ठीक है। और हम तो इतना ही पढ़े हैं अभी तक, इतना ही मेरा हालत ख़राब हो रहा है, ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे पढ़ना है, चूँकि अब खरीद लिए हैं तो मजबूरी का नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप काफ़ी समझदार हैं। तो यही है, ये किताब का हमारा जो है वो नवा संस्करण है, ठीक है, रमेश सिंह का। और इधर कुछ स्पेशल तो बस फोटो ही दिखेगा आपको, पैसा का और कुछ खास दिखने वाला है नहीं। हम इसलिए नहीं खरीदने बोलेंगे ना क्योंकि इसका लैंग्वेज जो है ना सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा लगता है मानो डायरेक्ट गूगल से ट्रांसलेट कर दिया गया, मतलब समझ में नहीं आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो फिर यू कैन बाय इट, नेदर अकॉर्डिंग टू मी इफ यू लास्क देन आई वॉन्ट रिकमेंड यू, मत खरीदो आप इसको। हमारे अनुसार आपको और बुक देख लो, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन कोई और देख लो, ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे खरीदने के लिए। तो ऑल द बेस्ट।